बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी अमरवाणी संकलनकर्ता स्वामी शांतानंद। सर्वधर्म संभाव संतमत। सभी धर्मों का मर्म एक ही है। सभी धर्म उसी एक सत्य और शांति स्वरूप परमात्मा रूपी नींव पर खड़े हैं। प्रायः सभी प्रमुख धर्मों में स्तुति, प्रार्थना, ध्यान, सदाचार, ईश्वर, जीव, नरक, स्वर्ग, मोक्ष आदि से संबंधित बातें देखने को मिलती है। ऋग्वेद में आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वह परमात्मा एक ही है और सद्विप उसे अनेक नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक धर्मावलंबी ब्रह्म या ईश्वर कहते हैं। ईसाई गॉड, मुसलमान अल्लाह, बौद्ध बुद्ध, अहूदी जेहवा, चीनी तीतीन और पारसी अहुरमद्द कहते हैं। एक ईश्वर की बात इस्लाम और ईसाई धर्मावलंबी भी स्वीकार करते हैं। इस्लामी कलिमे में आया है, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद पूजने योग्य नहीं है। ईसाई कहते हैं गॉड इज वन, प्रभु परमात्मा एक है। वैदिक धर्मावलंबी जिसे प्रार्थना कहते हैं। इस्लाम धर्म में वही इबादत और ईसाई धर्म में प्रेयर कहलाता है। वैदिक लोग ध्यान कहते हैं, मुसलमान मराकबा और ईसाई मेडिटेशन कहते हैं। वैदिक धर्मावलंबी जिसे नरक, स्वर्ग और मोक्ष कहते हैं, वही क्रमशः इस्लाम में दोजख, बहिष्त, नजात और ईसाई धर्म में हेल, हेवेन और लिब्रेशन कहलाता है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को रत्न त्रय कहते हैं और इनकी एकता को मुक्ति का मार्ग कहा गया है। आत्मस्वरूप का निश्चय करना सम्यक दर्शन, आत्मस्वरूप का परिज्ञान करना सम्यक ज्ञान और आत्मस्वरूप में लीन होना सम्यक चरित्र है। वैदिक धर्म में मानव सृष्टि का आरंभ सतरूपा और मनु से माना जाता है। मनु की संतान होने से मनुष्य की संज्ञा हुई। इस्लाम धर्म में मानव सृष्टि का आरंभ हुआ और आदम से माना जाता है। आदम से आदमी शब्द बना। वैदिक धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है। इस्लाम में आबे जमजम के पानी को और ईसाई धर्म में जारडन के पानी को। वैदिक इस्लाम और ईसाई के साथ साथ संसार के अन्य प्रमुख धर्मों में भी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पाप कर्मों से बचने की सलाह दी गई है। इस्लाम धर्मावलंबी मानस जप और मानस ध्यान को क्रमशः जिक्र और फिक्र, साथ ही गुरुमूर्ति के ध्यान को फनाफिल मुर्शिद कहते हैं। दृष्टियोग को सदग्रंथों में अनेक नामों से अभिहित किया गया है, यथा बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, शून्य ध्यान, नासाग्र ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपस्सना ध्यान आदि। इस्लाम धर्मावलंबी सूफी लोग इसे सगले नसीरा कहते हैं। जैसे एक परमात्मा से तीन गुणों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार एक ही धर्म से तीन धर्म, वैदिक, ईसाई और इस्लाम हुए। तीनों धर्मों में वैदिक प्राचीन और तत्पश्चात ईसाई तथा इस्लाम हुए। तीनों धर्मों में देशांतर के कारण भाषांतर होने से भिन्नता का बोध भले ही हो, किंतु तीनों अभिन्न हैं। तीनों की भाषा और भावना में कितना साम्य है, इस पर ध्यान देना चाहिए। व्यवहारिक भाषा में वैदिक में पितृ, इस्लाम में पिदर और ईसाई में फादर। वैदिक में मातृ, इस्लाम में मादर और ईसाई में मदर। वैदिक में भ्रातृ, इस्लाम में बिरादर और ईसाई में ब्रदर। ये तीनों आस्तिक धर्म हैं। तीनों में एक ईश्वर की मान्यता है। ऋग्वेद में आया है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वैदिक संतमत, ईसाई, इस्लाम प्रभृति सभी धर्मों में जप और ध्यान की क्रिया बताई गई है।
संत मत के जप और ध्यान को इस्लाम धर्म में जिक्र और फिक्र तथा ईसाई धर्म में चैंटिंग तथा मेडिटेशन कहते हैं। जप के बाद ध्यान की क्रिया की जाती है। आरंभिक ध्यान इष्ट के स्थूल सगुण साकार रूप का किया जाता है। सूफी लोग अपने मुर्शिद गुरु के रूप का ध्यान करते हैं और उस ध्यान में वे अपने शरीर को भूल जाते हैं। जैसे सुतीक्ष्ण मुनि भगवान श्री राम के ध्यान में अपने शरीर को भूल गए थे, अर्थात वे फनाफिल मुर्शिद हो जाते हैं। उसके बाद दृष्टियोग आनि सगले नसीरा की साधना के द्वारा अंत प्रकाश प्राप्त कर फनाफिल रसूल होते हैं और अंत में नादानुसंधान सुल्तानु अल जकार की क्रिया करके फनाफिल अल्लाह हो जाते हैं। जितने लोग आस्तिक बुद्धि के हैं, चाहे वे ईसाई, वैदिक, इस्लाम, बौद्ध, जैन, सिख आदि कोई क्यों न हो, सबके प्रभु एक हैं, सारी सृष्टि के प्रभु एक हैं, जैनिंता एक हैं, सभी ईश्वरवादी उस एक परमात्मा की स्तुति किसी न किसी रूप में करते ही हैं, चाहे उसकी संज्ञा हम जो भी दे दें, स्तुति कहें, प्रेयर कहें अथवा नमाज कहें, एक ही बात है। मंदिरों में दीप जलाकर घड़ी घंटा बजाना, गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाना और घंटे की आवाज़ करना तथा मस्जिद में दीपक जलाना एवं अजान के द्वारा सुदूर तक शब्द पहुंचाना अंतर्ज्योति और अंतर्नाद साधना का बाह्य प्रतीक है। वैदिक धर्म में जिसको नरक और इस्लाम धर्म में दोजख कहते हैं, उसी को ईसाई धर्म में हेल कहते हैं। जिसको वैदिक धर्म में स्वर्ग और इस्लाम धर्म में बहिष्त कहते हैं, उसी को ईसाई धर्म में हेवन कहते हैं। जिसको वैदिक धर्म में मुक्ति और इस्लाम धर्म में नजात कहते हैं, उसी को ईसाई धर्म में लिब्रेशन कहते हैं। इस दृष्टि से वैदिक हों, ईसाई हों, इस्लाम हों, सबके लिए ईश्वरीय ज्ञान समान है। संत मत किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर प्रचलित मत नहीं है, यह एक सर्वधर्म समन्वय मत है। इसीलिए इस सत्संग में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी मत के लोग शामिल होते हैं। अल्लाह शब्द आला शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा, जिससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, वह है अल्लाह। वही है परम प्रभु परमात्मा, वही है गॉड, वही है राम। हिंदू हो या मुसलमान, सबका मालिक एक ही है। सब संतों का यही विचार है कि एक की टेक पकड़ो, तुम्हारा जीवन नेक होगा। अगर हम अल्लाह का जलवा पाना चाहते हैं, खुदा का नूर पाना चाहते हैं, प्रभु का प्रकाश पाना चाहते हैं, गॉड की लाइट देखना चाहते हैं, तो पूरे मुर्शिद के बताए तरीके से चलें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु।